अच्छा इसमें सबसे मजेदार जो चीज़ आई है ना वो ये देता है। अच्छा ये इसी में है, मतलब पहले वालों में नहीं था। इसका गियर बड़ा मजे का है, ब्रेक पे रखेंगे हल्का सा, लगाएंगे गाड़ी स्टार्ट होगी, हल्का सा इसको जोर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हाइगर की जो न्यू बसेस आई हैं फैसल मूवर्स में, इसके ड्राइवर कैबिन का और इसके अलावा कुछ इसके सेफ्टी फीचर्स के हवाले से भी जानेंगे। इससे पहले भी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके पैसेंजर्स कैबिन का रिव्यू किया था, इसकी सीट्स के हवाले से वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की वीडियो जस्ट ड्राइवर कैबिन और इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं उन्हीं पे होगी। मेरे साथ मौजूद है फैसल मूवर्स के एक मशहूर ड्राइवर फारूक साहब, तो इनसे हम इस बस के बारे में तमाम डिटेल्स जानते हैं, इसके ड्राइवर कैबिन के बारे में और सेफ्टी फीचर्स के हवाले से। अच्छा इसमें बैठने का भी एक तरीका स्लीकर है, ठीक है, ऐसे बैठे हैं आप सीधे, और यह है इसका मोस्टली जो हमारे ड्राइवर हैं वो पाँव से ऐसे करते हैं, हाथ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप आए बटन की तरफ, ये इसका क्रूज कंट्रोल है, यह है इसका मेन्यू है मीटर का सारा, इसमें जो सेटिंग है मैं मीटर की, ठीक है ठीक है। अगर आप ये है इंडिकेटर्स के लिए, ठीक है, और इसके वाइपर्स, वाइपर मोटर यहीं से ऑन होती है, ये इसका है इंटरटर, हाँ जी। इसका क्या फीचर होता है? ब्रेक के लिए, ब्रेक के लिए, हाँ ठीक। और ये है इसकी, अच्छा इसमें सबसे मज़ेदार जो चीज़ आई है ना वो ये है, तो ये है लाइट एडजस्ट करने के लिए, आप अपनी लाइट्स खुद एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छी चीज़ है इसमें। ये है इसका वो फायर एक्सटिंग्विशर इंजन वाला, ठीक है ठीक है, यहाँ आप मोबाइल लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए, यूएसबी के लिए। बाकी ये जो है लगेज डोर, लगेज वाला जो है नीचे डिग्गियाँ जिसे कहते हैं, उसकी लाइट है, ठीक है। ये अंदरूनी लाइट्स है, गैलरी वाली हैं, ये रीडिंग लाइट्स, ये भी गैली लाइट्स, ये वो मल्टी कलर जो लाइट है उनके लिए, ये जो शीशों के साथ लाइट लगी, ये देखिए ये ऊपर लगी है शीशों में, ये ऐसे, ये है इनका, ये जो है सनशेड, सनशेड है इसका नीचे और ये ऊपर, और इसका ये जो है सनशेड, ये सामने वाला ये भी इसी से है, ठीक है। और ये इसका है रूट बोर्ड है, ठीक है, इसमें आप रूट बोर्ड, ये वो इसका वो सारा सिस्टम है, इसका कार्ड शार्ड वहाँ लगता है। अच्छा ये इसी में आया है, मेरे ख्याल पहले वालों में नहीं था। नहीं इसमें एक बस और भी आई है पाकिस्तान में जिनमें था ये, ठीक है जी, यू टर्न के पहले मॉडल में भी था, ये इसका हॉर्न है, और ये इसका गियर बड़ा मजे का है, आपका डैशबोर्ड में है ये गियर, ये ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा है। और ये देखें ये इसका बॉक्स है, आप अपनी छोटी मोटी चीज़ मोबाइल छोटी हैंड फ्री में रख सकते हैं। और एक चीज़ है डुअल एसी, ड्राइवर के अपन का जो एसी है वो लेदर है, ये उनके पैनल यहीं से कंट्रोल हो गए, बाकी एसी का पैनल सेम है। ये डिजिटल मीटर है, ये देखें ये बगैर इसमें कोई सुई नहीं। हाँ दूसरा इसमें है पुश स्टार्ट, इसका वो जो है ना चाबी वाला सिस्टम नहीं आया इसमें, अभी गाड़ी स्टार्ट है, इसको एक दफ़ा ये है इसका, एक दफ़ा प्रेस करेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी, हमारी गाड़ी पहले स्टार्ट थी, अब इसको स्टार्ट करना है, ये सिंगल स्विच है इसका, आप ये पाँव ब्रेक पे रखेंगे हल्का सा दबाएंगे, ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक अगर ना लगाएंगे तो ये नहीं स्टार्ट नहीं होगी, ठीक होगी, ये ज़रूरी है, ये बड़ा अच्छा फीचर है इसमें, सब सेट के था ये है। फ्रिज इसका काफ़ी खुला है, इसमें कंसोल आया, ये देखिए ये बड़ा है कंसोल है, इसमें बड़ा मजे का, ये देखें ये कंसोल है इसका, इसका लॉक और इस इसमें ये देखिए ये खिड़की आई है, ये दे दी है उन्होंने, पहले वाले में नहीं थी, कुछ भी नहीं थी पहले में नहीं थी, ये इमरजेंसी डोर को ओपन, ये लॉक है उनका, ये देखिए वॉल्व है, ये इमरजेंसी वॉल्व है, ठीक है। अच्छा इसमें ये है इनकी लाइट्स, हेडलाइट्स का जो है इसमें नई टेक्निक है, ये देखें ये आपकी हेडलाइट्स जो हैं पार्किंग लाइट या जिसे डिम लाइट कहते हैं, वो जहाँ बंद है यहाँ देखें डिम लाइट आप, ठीक है यहाँ आ जाएंगी आपकी फुल लाइट्स, सही होगा ठीक है। अगर इसको ऊपर उठाएंगे आप ये फोग लाइट हो जाएंगी आपकी, सही सही सही, ठीक है। बटन के अंदर सारे, हाँ ये सारा एसी के अंदर जो फीचर है इनके, ये इसका वो हैजर्ड वाला है डबल इंडिकेटर जिसे कहते हैं, सारा सिस्टम है। अच्छा तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये वेंटिलेटर हवादान है, ये ताज़ा हवा अंदर भी और
वाली हवा सक करके बाहर भी करता है। तो दूसरा ये है इमरजेंसी एग्जिट। अच्छा, इसमें एक टेक्निक है इसकी, मतलब खोलने की एक टेक्निक है जो कि आम लोगों को नहीं पता होता। इसमें ये देखिए एक लॉक है इसका, ये खोला आपने, इसको घुमाएंगे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, दरमियान में ये लॉकड है, ठीक है, इस तरफ करेंगे या इस तरफ करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा, लेकिन ये खोलना ऐसे नहीं है, ठीक है, ठीक है, फिर दोबारा बंद करना मुश्किल हो जाएगा। इसका सबसे जो अच्छा तरीका इसका है, आप हल्का सा इसको जोर लगाएं, ठीक, ये ऊपर चला गया, सही है, ठीक है। अब इसका ये देखें सेम ऐसे, ठीक, इसको ऊपर करें, फिर इसका ये खोलें, लॉक वाला जो ढक्कन है इसको खोलें, यहाँ से इसको इस तरफ कर दें या इस तरफ कर दें, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जैसे भी आप चाहें, इसको ऊपर कर लें, ये खुल जाएगा। ये इसका इमरजेंसी डोर है, ये देखें इसका ऊपर करें, ये खुल गया, ठीक है, यहाँ से इसको खोलें, गेट खुल जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए